नमस्कार, टीएनपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अपील पर गुजरात हाईकोर्ट 29 अप्रैल यानी कि आज सुनवाई करेगा। इसमें आपराधिक मानहानि मामले में दोषी सिद्ध पर रोक न लगाने के सूरत सत्र अदालत के आदेश को चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट द्वारा गुरुवार को प्रकाशित बाद सूची के अनुसार राहुल गांधी की अपील पर न्यायमूर्ति हेमंत पी आज सुनवाई करेंगे। उधर आंध्र प्रदेश में 9 छात्रों ने इंटरमीडिएट की परीक्षा में असफल होने के बाद आत्महत्या कर ली है। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कक्षा 11 और 12 के परिणाम बुधवार को घोषित किए गए। आपको बता दें, गुरुवार से अब तक 9 छात्रों की आत्महत्या से मौत हो चुकी है, जिससे पूरे आंध्र प्रदेश में मातम सा पसरा हुआ है। वहीं 2 अन्य छात्रों ने आत्महत्या करने का प्रयास भी किया। उधर बिहार में आज से 2 दिवसीय सीतामढ़ी महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसके लिए सभी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। इस महोत्सव का उद्घाटन सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव करेंगे। कार्यक्रम में प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर अपनी प्रस्तुति पेश करेंगे। इसके अलावा नृत्य नाटिका जनक दुलारी, मशहूर गायक लालजी मिश्र समेत पंडित उदय नारायण मलिक शामिल होंगे। सीतामढ़ी महोत्सव के भव्य आयोजन के मद्देनजर सभी स्तरों पर प्रशासनिक व्यवस्थाएं, साफ सफाई और चिकित्सा की व्यवस्था पूरी कर ली गई। उधर नालंदा में राजगीर स्थित कन्वेंशन हॉल में RLJD के 3 दिवसीय राजनीतिक शिविर आयोजन हुआ। शिविर का उद्घाटन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने किया। कुशवाहा ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सत्ता से संघर्ष के लिए मेरे कदम हमेशा ही बड़े हैं। उन्होंने कहा, इस शिविर का उद्देश्य पार्टी को मजबूती प्रदान करना और प्रदेश के विकास की रूपरेखा तैयार करना है। इस दौरान वे नीतीश पर भी निशाना साधते दिखे। उन्होंने कहा कि नीतीश अब तक 9 बार पार्टियां बदल चुके हैं, इसीलिए ये राजनीतिक बदलाव केवल कुर्सी के लिए हुए हैं। भाइयों और मित्रों, कितनी बार गिनती जोड़ करके रख लीजिएगा, 9 बार। और बहुत जोर कर मेरे बारे में बोल रहे थे वो लोग आलोचना में, तो भी 9 बार नहीं कह रहे थे। तो मेरे बड़े भाई हैं, उनके लिए सब माफ है, छोटा भाई के लिए माफ नहीं है। बड़ा भाई करे तो रासलीला, आ छोटा भाई करे तो कैरेक्टर ढीला। उधर रोहतास के डेहरी नगर के पास तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक चालक समेत एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार दोनों लोग हुरका गांव से टेहरी के ओर तरफ जा रहे थे, जिस दौरान ये हादसा हो गया। वहीं दुर्घटना के बाद आरोपी ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक लड़का जो है एक बूढ़ी माँ को लेके आ रहा था, उसके बाद एक ट्रक वाला जो है इधर से गया और एक उधर से एक छोटा सा गाड़ी बीच में था और क्या वैन, और बीच में वो क्या बोलते हैं कि घुसा, ट्रक वाला मोड़ा तो उसको ये कर दिया, कचरा गया। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जब ये बना था, ओवरब्रिज बना था, स्पेस नाम का कोई चीज़ नहीं है। इसको नीतीश कुमार ने ये रिमोट से इसका ये किया था, उद्घाटन किया था। डीएम आए थे तो डीएम को देखना चाहिए था कि जहाँ पे ओवरब्रिज गिरता है वहाँ स्पेस होना चाहिए। कम से कम सैकड़ों लोग यहाँ मारे गए हैं और कोई चिंता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना ढलाऊ है, एक बार डीएवी के स्टूडेंट के वैन में वो गाड़ी में सारा कुछ बांस घुस गया था, वो कम से कम 50 बच्चे मरने से बचे। उधर भागलपुर के CMS हाई स्कूल में आगामी 30 अप्रैल को छात्र सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस विद्यालय की स्थापना 1854 में हुई थी, जिसके बाद यहाँ से शिक्षा हासिल कर छात्र विभिन्न क्षेत्रों में इस विद्यालय का नाम रोशन कर चुके हैं। इन्हीं पूर्ववर्ती छात्रों के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विद्यालय के पास आउट छात्र हिस्सा लेंगे। वहीं साथ ही स्कूल को बेहतर बनाने और शिक्षा को बेहतर करने के लिए चर्चा की जाएगी। उधर नवादा के मैसकोर प्रखंड के सहबाजपुर सराय पंचायत में लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की गई। इस दौरान स्वच्छता मित्र को साफ सफाई के लिए दिए जाने वाले ठेले को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। गांव के मुखिया राकेश कुमार ने कहा कि गांव को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए इस चरण की शुरुआत की गई है। सराय पंचायत से शुरू हुई इस योजना के बाद 10 पंचायतों में इस काम की शुरुआत की जानी है। इस मौके पर
DRDA डायरेक्टर राजीव कुमार, उपायुक्त अविनाश कुमार समेत कई पंचायतों के मुख्य प्रतिनिधि मौजूद रहे। उन सब के निपटारे के लिए यहाँ पे वेस्ट यूनिट बनाया गया है। आप अंदर जाके देखेंगे वहाँ पे आप पाएंगे कि अलग अलग यूनिट बने हुए हैं, कक्ष बने हुए हैं। कहाँ पे गीला रखना है, कहाँ पे सूखा रखना है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रखना है, उन सब का लोकेशन किया गया है। इसी तरीके से आपके जो यहाँ पे कार्यकर्ता होंगे आपको मार्गदर्शन देंगे कि किस तरह से आपका जो ग्राम आपका जो गांव है पंचायत है वो किस तरह स्वच्छ रहेगा। और इसी तरीके से मार्गदर्शन पाते हुए हम सब लोग भारत के ग्रामीण स्वच्छता मिशन में आगे बढ़ेंगे। बाकी से ज्यादा कुछ कहने के लिए है नहीं, बाकी सब लोग कह गए अच्छे से। और मुझे लगता है कि आप लोग थोड़ा थोड़ा समझ पा रहे होंगे कि हम लोग किस ओर बढ़ रहे पंचायत में। जो यह अभियान चला है बिहार अभियान अंतर्गत ठोस और तरल अवशिष्ट प्रबंधन इकाई द्वितीय चरण अंतर्गत आज इसका हम लोग उद्घाटन किए हैं, शुभारंभ किए हैं। और यहाँ पे सभी जो उपस्थित हैं, हम लोग ई रिक्शा पैडल रिक्शा का हम लोग यहाँ वितरण भी हुआ है, हरी झंडी दिखाए हैं। और ये हर टोला जाके, हर वार्ड जाके वहाँ से ठोस और तरल जो अवशिष्ट है उसको लाएगा यहाँ पे उसका अलग अलग यूनिट बना हुआ है, उसमें रखा जाएगा उसको, और उसका फिर अलग अलग तरह से प्रबंधन होगा। और जिससे जैविक खाद बनेगा, जिससे हम लोग खादों के यूज होगा और पंचायत उस खाद को बेच भी सकती है, इस तरह से उपयोग कर सकती है। वहीं बिहार पुलिस मुख्यालय ने सिपाही भर्ती के लिए 21,000 से ज्यादा भर्तियां निकाली हैं। पुलिस में भर्ती होने की चाह रखने वालों के लिए अच्छी खबर है। बिहार पुलिस जल्द ही 21,391 पदों पर सिपाही भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने जा रहा है। विभाग द्वारा ये प्रक्रिया दिसंबर तक पूरी कर ली जाएगी, जिसकी जानकारी ADG हेडक्वार्टर जितेंद्र सिंह गंगवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। आपको बता दें बिहार पुलिस में 75,543 नए पदों का सृजन किया गया है। इसमें 21,000 से ज्यादा पदों पर सिपाहियों की नियुक्ति की जाएगी। बिहार पुलिस में अब तक की एक साथ बहाली की सबसे बड़ी संख्या के बारे में अब शीघ्र ही हम लोग नई एडवर्टाइजमेंट के साथ में नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने वाले हैं। कुल 21,391 पदों पर सिपाहियों की नियुक्ति के लिए रिक्विजिशन गृह विभाग के द्वारा रोस्टर क्लियर होने के उपरांत कल पुलिस विभाग ने सिपाही भर्ती चयन पर्षद को भेज दिया। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए TNP न्यूज़।